सैमसंग M12 डिस्प्ले क्लॉक सेटिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने डिवाइस के अंदर पे डिस्प्ले क्लॉक सेट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी क्लॉक सेट किया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ पर डायरेक्टली रिमूव कर दूँगा, उसके बाद दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊँगा कैसे आपको ये यहाँ पर सेट करना है। तो अगर दोस्तों आपको भी डिस्प्ले में क्लॉक सेट करना है तो आप सिंपली इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते। तो यहाँ पर दोस्तों क्लॉक जो है डिस्प्ले में सेट करने के लिए आपको अपने स्क्रीन पर टैब एंड होल्ड कर लेना है, या तो फिर आप पिंच कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन के जो यहाँ पे फ्री स्पेस है जहाँ बीचों बीच आप क्लिक कर सकते हैं, टैब एंड होल्ड कर दीजिए और उसके बाद आपको मिलेगा विजेट्स। तो विजेट्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही विजेट्स पर आप जाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर क्लॉक ऑप्शन, ठीक है। तो स्लाइड करके जाइए तो यहाँ पर हमें सर्च करना है क्लॉक। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट पेज में आपको सबसे नीचे बॉटम लाइन पर मिल जाएगा क्लॉक ऑप्शन, तो इसमें वन टैप कर देना है। अभी डिपेंड करते हैं दोस्तों आपको किस तरीके का क्लॉक लगाना है, एनालॉग क्लॉक सेट करना है या फिर डिजिटल क्लॉक, ठीक है, या फिर ड्यूअल क्लॉक, तो आपके ऊपर में डिपेंड करते हैं। तो जो भी आपको चाहिए एट पर क्लिक करें, डायरेक्टली वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा एम्प्टी स्पेस में। उसके बाद आप इसको मूव करके ले जा सकते हैं कहीं भी और इसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों क्लॉक सेट करने का ऑप्शन। डिस्प्ले पर अगर आपको एनालॉग क्लॉक सेट करना है तो भी आप कर सकते हैं, अगर आपको डिजिटल अच्छा लगता है तो आप डिजिटल क्लॉक भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप डिस्प्ले क्लॉक सेटिंग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।